हेलो गाइज, मैं हूं नीतीश। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं, अगर आप सीएनसी का कोई भी मशीन बनाते हैं, चाहे वह सीएनसी का राउटर मशीन हो, चाहे वह सीएनसी का रेजर मशीन हो, या फिर सीएनसी 3D प्रिंटर हो, तो आपको यहां पे एक चैनल का आवश्यकता जरूर पड़ेगा, जो कि यहां पे है। गाइज, ये है SBR का रेल गार्ड चैनल, जो कि आपको ये चीज़ लेना बहुत आवश्यकता होगा। पहले आप यहाँ पर देखिए कि कुछ रेल जैसा शेप है और इसका जो बेंड होने का चांस है बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे एल जैसा शेप है और एल शेप में जो रहता है चैनल वो जल्दी बेंड नहीं होता है, और यहाँ पे एल में भी ये टी चैनल जैसा है तो, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसका फिनिशिंग रहता है, जिसके ऊपर बैरिंग भी आपका बहुत आसानी से चलता है। चलिए, इसके बैरिंग के भी बारे में आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये भी जानकारी देंगे इसे कहाँ से आपको ऑर्डर करना है और सबसे सस्ता आपको कहाँ पर मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पे टोटल 4 रेल पीस चैनल है और यहाँ पे 2 पीस जो है जिसकी लेंथ है 1000 mm और 2 पीस की लेंथ है 500 mm, तो हमने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से इसे ऑर्डर किए थे। तो गाइज, इस चैनल से अगर आप CNC रोटर मशीन बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ चलेगा। इस पर बहुत ही फ्री चलता है बैरिंग, और इसके साथ जो आपको बैरिंग का यूज़ करना होगा वो है यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पे ढेर सारा बैरिंग है, यहाँ पे 2 प्रकार का बैरिंग है, एक है SBR 12W बैरिंग और एक है हमारे पास यहाँ पे SC 12W बैरिंग। तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या कैसा बैरिंग मिलता है हमको। तो गाइज, कुछ इस प्रकार से इसमें बैरिंग, जो कि आपको यहाँ पे हाफ कट मिलेगा। ये SBR का 12W बैरिंग और जो कि इस रेल गार्ड पर आपको बहुत ही स्मूथ चलेगा। यहाँ पर एक बहुत ही कम प्ले रहता है, और अगर आपको ज़्यादा प्ले मिलता है तो यहाँ पे एडजस्ट भी करने के लिए यहाँ पे एलंकी बोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसे ऐसे चलाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा यह स्मूथ चलता है। तो गाइस, इसके अंदर जो छोटे छोटे बैरिंग है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलाने का काम करते हैं, जो कि ये आपको बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो इसी प्रकार से मेरे पास और भी यहाँ पर बैरिंग है, और ये जो बैरिंग है SC 12W बैरिंग है, इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइज, कुछ इस प्रकार के पैकेजिंग में आता है, इसमें कोई आपको कटिंग नहीं देखने के लिए मिलता है, ये पूरा सिलेंड्रिकल टाइप में रहता है। तो गाइज, ये जो बैरिंग है काफ़ी ज़्यादा आपको काम करेगा अगर आप CNC मशीन बनाना चाहते हैं, चाहे वो CNC का राउटर मशीन हो या प्रिंटर हो या फिर CNC का रेजर मशीन हो। आप चाहे जो भी ऐसा स्लाइड वाला मैकेनिकल पार्ट्स को बनाते हैं तो इस बैरिंग को आप यूज कीजिएगा, बहुत ही आपको स्मूथ चलेगा। तो गाइज, ये थी मैकेनिकल पार्ट्स बनाने के लिए कुछ बैरिंग और रेल गार्ड, जो कि आप यहाँ पे देखिए रेल गार्ड के नीचे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एलंकी नट से इसे फिक्स किया हुआ है, जो यहाँ पे आपको गोल दिख रहा है ये स्टील रड है और ये एलंकी नट से कसा हुआ है। तो भाई, इस पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा, अगर आप CNC का कोई भी पार्ट्स बनाते हैं तो इसे ज़रूर से यूज कीजिएगा, आपको मैकेनिकल पार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर आएगा। तो गाइज, अगर इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो ये है SBR का 12 रेल चैनल, और इसमें भी आपको अलग अलग आता है, SBR 10 भी आता है, 12 भी आता है, 14 भी आता है, 16 भी आता है, तो अपने आप रिक्वायरमेंट के अनुसार से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी प्राइस बताएं तो एक लेंथ मुझे पड़ा है 900 रुपये का, 800 से 900 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा, और जिसकी लेंथ रहेगा 1000 mm। अगर आप उसी प्रकार से हम बैरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं तो ये है हमारे पास SBR का 12W बेयरिंग्स, इसका प्राइस मुझे पड़ा है 200 रुपये पर पीस करके। और गाइज, ये है SBR का SC 12W बेयरिंग्स, इसका भी प्राइस मुझे 200 रुपये करके पड़ा है। लेकिन गाइज, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिए, उस वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको एक दे दिए हैं, वहाँ से आप इस बैरिंग्स और चैनल को ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।